और आगे मेरा बाइक गिर चुका है। मतलब ऐसा पत्थर में कैसे जाएंगे अब लोग ही बताइए। सो गाइस, फाइनली मैं आ चुका हूँ सच पास, जो है 4500 मीटर और 14500 फीट। सो मॉर्निंग के लिए कॉफी आ चुका है और कुछ बंदे इधर काम कर रहे हैं लैपटॉप का, सॉफ्टवेयर इंजीनियर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। और बोलो, कुछ बोलो, क्या बोलूं, कैसा लग रहा है डालो जी? अच्छा लग रहा है बहुत। और सबसे पहले तो ठंड आ चुका है इधर, ठंड बहुत आ चुकी है। आज ऊपर जमा अच्छा, आज 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 का जो जर्नी है बहुत टफ जर्नी है। तो सच पास सो पुष्पेंदु एक्साइटेड बहुत है। एक्साइटेड मतलब बहुत एक्साइटेड हूँ, आज ऊपर जाना है फर्स्ट टाइम इतना ऊपर। 8000 फीट है ना ऊपर? नहीं सच पास 4000 कुछ ऐसा मीटर है, 500 मीटर है, मतलब उसको 14000-15000 फीट होगा। 15000 फीट है। ओ, मेरा खुद का सेकंड टाइम है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और पुष्पेंदु उससे ज़्यादा एक्साइटेड होगा क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है ना। हाँ, और हिल राइड भी फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। हाँ जी, कल सर चक्कर तो नहीं, चक्कर नहीं आया था लेकिन बहुत टफ था यार, टफ था। और तुम्हारा तो ये 3-4 हो जाएगा, 3-4 एक्सपीरियंस पिलियन राइडर। ठीक है चलो, जो कॉफ़ी आ चुकी है, कॉफ़ी का टेस्ट पहले चेक करता हूँ। लगेज तो हो जाएगा, बहुत ही अच्छा कभी। सो अभी होटल का नीचे जा रहा हूँ क्योंकि हम लोग अभी एकदम होटल का टॉप फ्लोर में था, तो ये पीछे जो दो रूम है वही हमारा था। और अभी जा रहा हूँ नीचे जाके, एक्चुअली मेरा गाड़ी का की मुझे नहीं मिल रहा है, तो शायद कल शाम को गाड़ी पे लगा के आया था इसीलिए। और एक कल हमारे साथ एक छोटा सा हादसा हो गया था गाड़ी के साथ, तो उसी वजह से हमारा पैर में भी लगा था, तो इसलिए सीढ़ी से उठने के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है क्योंकि मेरा नी पे थोड़ा चोट आ चुका है। गुड मॉर्निंग भाई। तो ये होटल का रिसेप्शन, सो काफ़ी अच्छी होटल है। इस होटल में मैंने आज लेके सेकंड टाइम मैंने ये स्टे किया क्योंकि लास्ट 2019 में जब सच पास आता उसी टाइम भी इसी होटल में था, वाइट ऑर्किड। ये होटल का फ्रंट है, काफ़ी अच्छी होटल है, रेट और खाना सबका टेस्ट भी बहुत ही अच्छी है और रिजनेबल रेट है। ठीक है, हमारा जो होटल है पर रूम 1000 करके लिया था। और ये होटल का बाहर कुछ व्यू ऐसा ही है। और दिस इज़ द होटल, द वाइट ऑर्किड, ओयो का 47372 कोड नंबर है। और हमारा बाइक जो है अंदर पार्किंग है इधर। और ये है बाइक का पार्किंग। अच्छा, की मुझे मिल गया, की इधर ही है, तो इसको थोड़ा कोल्ड स्टार्ट करना पड़ेगा पहले। ठीक है, एक ही चार्ज स्टार्ट हो चुका है। तो ये है साहब का BMW और ये हमारा भाई पुष्पेंदु का 500 और ये निंजा 650 किसी और का है, मुझे पता नहीं, लेकिन फिर भी ब्लॉग में बता दिया। ठीक है, तो पुष्पेंदु आर रेडी फॉर गो? यस रेडी। कल एक्चुअली मेरे साथ एक जो छोटा सा हादसा हुआ था वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मैं किसी को अभी तक बताया नहीं, घर में भी नहीं बताया, दोस्त को भी नहीं बताया, हो ही सकते हैं। एक्चुअली कल शाम को जब आ रहा था उस टाइम एक रोड पे हम लोग फ़ोटो खींच रहा था, तो अचानक एक ऑल्टो आके हम लोग मेरा गाड़ी को मारा और राइट साइड जो है, राइट साइड का जो फुट रेस्ट है, जो क्रैश गार्ड है, वो थोड़ा सा टूट चुका है और जो LED लाइट भी है वो भी थोड़ा सा टूट चुका है और मेरा इस नी पे चोट लगा। तो ये है बाइक में ऐसा इधर जो जेरिकन था तो ये टूट चुका है, नई जेरिकन का जो लाइट था ये मतलब पूरा पता नहीं क्या हुआ, ये जैसे इधर जेरिकन है इधर जेरिकन नहीं है, जेरिकन है लेकिन इसको मुझे फिट करना पड़ेगा नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। और ये जो है ये रियली प्लेस कस्टम का, ये जो बिल्ड क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है। ये मेरा बाइक का जो वाइजर है इसको प्रोटेक्ट किया अच्छा से और बाकी सारी जो बाइक है प्रॉपर्ली ठीक है, सिर्फ राइट साइड में वही थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है और कुछ नहीं। तो अभी
लगेज वगैरह नीचे लेके आऊँगा, क्योंकि होटल का जो स्टाफ है उसको मैं बताऊँ बोलूँगा नीचे उतरने के लिए, क्योंकि मेरा पैर में इतना चोट लगा तो मुझे पॉसिबल नहीं अभी उतना भारी लगेज नीचे आने के लिए। और मेरा जो है गाड़ी का राइट साइड का मिरर भी टूट चुका है, तो लोकल मार्केट पे कभी वही गैरेज मिलेगा तो उधर जाके मिरर चेंज करना पड़ेगा, बस और कोई काम नहीं है। और बाकी सब भी ठीक ठाक ही है। तो कल रात को एक पैरासीटामोल टैबलेट भी खाया था और सुबह होम्योपैथी दवाई भी खाया था, तो शायद जो पेन है थोड़ा सा कम चुका है, पता नहीं अभी कितना देर तक रहेगा लेकिन रहेगा। जो हड्डी का जो पेन होता है ना, बहुत पेन होता है इसमें। सो गुड मॉर्निंग बैक टू रोड अगेन, एंड अभी टाइम हो चुके 12:05, थोड़ा लेट हो चुका है, गाड़ी का काम करना पड़ा। और ये जो लुकिंग ग्लास है ये मेरा टूट चुका था तो इसको भी चेंज किया मैंने अभी, तो नया मिल गया इधर भैया का गैरेज पे। तो इधर से सचवास और भी 130 किलोमीटर है, टाइम लगेगा 4.5 घंटे लगेगा। तो हाँ कौन सा नहीं और कुछ नहीं चाहिए सब, हाँ 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 कितना हुआ मुझे बता दो। तो थोड़ा इधर आके रुके क्योंकि बाकी जो राइडर्स है हमारा दो, तो उसी साइड से आने वाला है लेकिन अभी आ नहीं रहा है, तो उसी के लिए इंतज़ार कर रहा हूँ। इंटरकम उसके पास भी है लेकिन फ़ोन कर रहा हूँ क्योंकि पकड़ नहीं रहा है, पता नहीं क्यों, शायद वो लोग खुद कनेक्ट किया रखा है। और लास्ट टाइम जब आया था 2019 पे, तो उस रोड से उधर से चला गया था, एक ब्रिज है ब्रिज के पास से, तो एक्चुअली वो आर्मी का कुछ रिस्ट्रिक्शन एरिया है, तो उस टाइम इधर लैंडस्लाइड हो गया था थोड़ा आगे ही, मतलब जस्ट 50 मीटर दूर। तो मैं दिखा तो आप लोगों उधर जाके एक मिनट। ये जो रोड दिख रहा है आपको इसी रोड पे लैंडस्लाइड हुआ था, मतलब देखिए अभी भी इसका मतलब इस साइड लैंडस्लाइड होते रहते हैं, इसीलिए रोड का हालत भी इधर का अच्छा नहीं है। अभी हिमाचल में कुछ ही दिन पहले हुआ था लैंडस्लाइड, तो उसी का ये है शायद। और रास्ता जो है काफ़ी टफ है इधर का, और अभी उतना टफ भी नहीं है, मैं उतना टफ भी नहीं बताऊँगा क्योंकि ये नॉर्मल सा ही वो है, अभी थोड़ा आगे जाके बहुत टफ मिलेगा, ऑफ रोड किसको कहते हैं उधर मिल जाएगा। लेकिन मैं लास्ट ईयर एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, अभी का एक्सपीरियंस पता नहीं कैसा होगा। देखिए मेरा राइट साइड बहुत बड़ा खड़ा है यार। ये बहुत ही टफेस्ट है यार, पिलियन लेके और NS200 से पिलियन काफ़ी दिक्कत होती है, 200 सीसा का गाड़ी में पिलियन ये बहुत ही दिक्कत का बात है। और फिर भी पीछे जो है लड़की है तो समझना पड़ेगा, लड़की को हेड्स ऑफ यार। तो इधर ही रुकते हैं, आगे जाके फिर उन लोगों के लिए इंतज़ार करता हूँ, नहीं तो फिर उस आगे जाके मैं ये जो पुल देख रहा आगे एक बड़ा ब्रिज नहीं है इसको, मतलब वो पानी जैसे छोड़ते हैं ना बैरेज जिसको कहते हैं, तो वही है वो, तो उसी के ऊपर से भी एक रास्ता है तो उधर से भी जाते हैं लोग। और ये थोड़ा बाहर मतलब बाहर से, ओह माय गॉड। और मुझे सबसे अच्छी लग रहा है क्या, GoPro 8 खरीदने के बाद मैं जब वीडियो बना रहा हूँ ना सच में मज़ा आ जाएगा, क्योंकि वीडियो क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी दे रहा है। 8 हीरो 8 ब्लैक है ये। ओ क्या हुआ, ओ माय गॉड। देखिए अगर आपको नज़ारा होगा तो उधर उस साइड में जो बैरेज से पानी आ रहा है ना काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और इधर दो रास्ता है, सचफस वाली रास्ती कहाँ है, एक मिनट मैप पे देखता हूँ मैं। तो इधर बहुत ही चढ़ाई है तो रास्ता भी हालत भी ख़राब है बहुत, फिर भी ट्राई करता हूँ शायद उठ तो जाएगा यार। इसी रोड से जाना पड़ेगा, काफी रास्ता खराब है यार, काफी रास्ता खराब है। ओह माय गॉड, अब सोचिए एक बार पीछे वाला जो बैठा है ना उसका क्या हालत हो रहा है, एक बार उनके लीजिए उनके उस
ठीक है चलो। हाँ ठीक ही रास्ता से हम जो आ रहे हैं। इधर का रास्ता का हालत सीरियसली बहुत ही खराब है। वो देखिए वो उधर 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 से जाना पड़ेगा हम लोगों को और हम उधर से आया है। काफी अच्छी व्यू है यार। सो उधर से वापस घूम के इधर से आया हूँ क्योंकि इसी टाइम पे भी उसी रास्ते में एक ब्रिज टूटा हुआ है तो इसलिए फिर यू टर्न लेके इसी रास्ते से मैं वापस जा रहा हूँ। ये जो बैरेज है डैम का ऊपर से मैं जा रहा हूँ। अभी ज़्यादातर ऑफ रोडिंग के लिए हम लोग पहाड़ पे आते हैं तो इसलिए बहुत प्यार करते हो पहाड़ को। मतलब मैं तो बहुत ही ज़्यादा हिल्लवार हूँ क्योंकि मैं ज़्यादातर मेरा जितना सारा राइड देखोगे आप यूट्यूब चैनल पे ज़्यादातर पहाड़ पे है। ज़्यादातर मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम 99% पहाड़ी पे है और समुंदर का राइड ज़्यादा नहीं किया। एक ही किया था जो मेरा घर से लोकल दो दीघा है मंदारमोनी दीघा एक ही किया हूँ और समुंदर का राइड ज़्यादा नहीं किया हूँ। मतलब वीडियो है अभी आपके पास छोटा से जैसे घर के सामने ही है तो बहुत बार जा चुका हूँ लेकिन फिर भी जब से मैं यूट्यूब कर रहा हूँ तो उसके बाद से शायद एक या दो बार गया था। ठीक है और कुछ नहीं ऐसी चल रहा है। और आप लोग बोलिए आप लोगों का कैसा चल रहा है। अगर आप लोग प्लान जल्दी कीजिए कोविड को ऑलरेडी ख़त्म हो जाएगा बहुत ही जल्दी। थर्ड वेव आएगा क्या नहीं आएगा किसी को पता नहीं चलेगा लेकिन अगर घूमना है तो भाई निकल जाओ। पैसा का टेंशन मत लो पैसा यूं ही हो जाएगा। काम करो हार्ड वर्क करो और अपना ज़िंदगी जो है उसको जी लो अच्छी से क्योंकि हम सब एक दिन तो चला जाएंगे। जब अपना हार्ड वर्क जब होगा जब पैसा आएगा उसी पैसा से आपका शौक पहले फुलफिल करो। मैं तो कर रहा हूँ यार सीरियसली। मेरा हर जगह से सपोर्ट मिलता है अच्छी से। मेरा घर से भी बहुत सपोर्ट मिलता है मेरा दोस्त लोगों के पास से भी बहुत सपोर्ट मिलता है और क्या बोलूँ इससे ज़्यादा सपोर्ट किसी का शायद नहीं होता है जैसा मेरा मिलता है। मिलता है बहुत सारी लोग आदमी को मिलता है लेकिन बहुत सारी को सपोर्ट नहीं मिलता है। विदर सपोर्ट में वो लोग निकल जाती है खुद का शौक पूरा करने के लिए। तो वही मैं बताऊंगा पहले घर का सपोर्ट लो घर के मना लो पहले उसके बाद आराम से निकलो क्योंकि पीछे कोई तुमको मना करेगा तुम निकल जाओ ऐसा मत करो क्योंकि जब दूर में जाओगे ना घूमे थोड़ा घर वालों को बहुत टेंशन होती है। तो ये एक छोटा सा मार्केट है और भी अभी कितना किलोमीटर 120 किलोमीटर अभी बाकी है। अभी एक डेढ़ बज चुका है शायद। सो गाइस जाने का टाइम एक ब्रिज मिला तो ब्रिज से मैं क्यों व्लॉग करो मेरा राइट साइड जो है ना देखिए क्या खूबसूरत व्यू है यार। मतलब अल्टीमेट नज़ारा। और बाकी जो दो राइडर्स था ये आ चुका है खो गया था इधर ये भी खो गया था इसको एक आदमी पकड़ के लेके चला गया था इसलिए ये खो गया था। ठीक है पहले जो आ रहा है पुष्पेंदु सो ही इज़ अ वेरी ग्रेट गाय एंड ये राइड्स एनफील्ड 500 और इसका मतलब बहुत ही एक्साइटेड है लद्दाख के लिए क्योंकि फर्स्ट टाइम लद्दाख राइड और इसका फर्स्ट टाइम जो नॉर्मल बेसिकली लॉन्ग राइड जो होता है ना पहले फर्स्ट टाइम ही कर रहे लॉन्ग राइड तो काफ़ी टफ होने वाला है उसके लिए। लेकिन दिल में अगर दिल चाहता है ना तुमको मतलब एक बात मैं आपको क्लियरली बात कर रहा हूँ एकदम क्लियर जब मान लो तुम कुछ दोस्तों के साथ किसी के साथ तुम बात कर रहे हो या लॉन्ग राइड के लिए या कुछ भी के लिए मतलब राइड के लिए बेसिकली या सोच लो 4000 5000 6000 7000 किलोमीटर का राइड
तुम राइड नहीं किया, 200-300 किलोमीटर राइड किया, उसके बाद कोई राइड नहीं है, तुम फर्स्ट टाइम जाने वाले हो लॉन्ग राइड के लिए, तो मैं बोलूँगा अगर तुम्हारा दिल चाहते हैं, अगर तुम्हारे पास दिल चाहता है जब मैं जाऊँगा ही, मेरा कुछ नहीं होगा, मैं आराम से चला जाऊँगा, मैं बोलूँगा यार आराम से निकल जाओ। क्योंकि मैंने भी जब फर्स्ट टाइम मतलब लॉन्ग राइड स्टार्ट किया, तो उसके पहले मैंने 200 से मैक्सिमम 300 किलोमीटर राइड किया था। जब मैंने फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया तो मैंने लद्दाख राइड से ही स्टार्ट किया था, तो लद्दाख राइड उस टाइम टफ था। देखिए राइड मतलब टफ तो होती है, क्योंकि बेसिकली जो बाइक में जब जर्नी करते हैं हम लोग ना, तो काफ़ी टफ होते हैं। और रास्ते के लिए मैं टफ नहीं बोलूँगा, कभी नहीं बताऊँगा, क्योंकि हम लोगों का लाइफ में ये एडवेंचर जो कहते हैं, तो मुझे रास्ता ख़राब होगा क्या रास्ता भला होगा सब कुछ ठीक है हर जगह पे। मेरा एक फेसबुक चैनल में मेरा एक वीडियो मैंने छोड़ा था, उस थोड़ा वायरल हुआ था, मतलब पंजाब में मैं रात को नींद लग गया था सबका, तो एक ही पेट्रोल पंप में ऐसा सो रहा था ना सबको, जैसे हमारा मतलब घर नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे ही मतलब मेरा वाइफ ने भी एकदम एक नीचे सो रहा था रात को, तो वीडियो भी थोड़ा वायरल हुआ था। तो ऐसे ही मैं बताऊंगा, अगर तुम्हारा दिल चाहता है तो प्लीज़ निकल जाओ। किसी को ज़्यादा पूछोगे तो वो लोग बताएगा अरे नहीं यार ऐसा नहीं होगा, तुम थोड़ा तुमको ये 1000-2000 किलोमीटर का राइड करना पड़ेगा उसके बाद निकलो, ऐसा कुछ नहीं है भैया, भाई और बहनों जो भी देख रहे हो, तो आराम से निकल जाओ आराम से। मेरा लेफ्ट साइड देखिए कितना बड़ा खाई है, और आगे बहुत दूर तक सचपा से अभी 75 किलोमीटर बाकी है, तो मैंने इधर रुका हूँ अब लोगों को दिखाने के लिए। और रोड जो है रोड भी बहुत ज़्यादा भी ये नहीं है, तो थोड़ा रुके थे क्योंकि टर्निंग और बहुत रास्ता जो है ना बहुत ही छोटा छोटा है रास्ता, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है रास्ता। और बाकी जो दो राइडर है अभी क्रॉस किया है, तो ठीक ही जा रहे हैं हम लोग, अभी 2:30 बज चुका है तो भूख भी लग चुका है, लेकिन देख तो कब खाएंगे, क्योंकि सचपा तो गूगल बोल रहे हैं जाने जाने 3:30 बज जाएगा, 5:30 बज जाएगा, अभी भी 3 घंटा लगेगा बताया था, तो देखते फिर कितना टाइम मिलता है। और आगे जाके बहुत ऊपर जाके वो आपको एप्पल का पेड़ भी मिलेगा उधर, क्योंकि लास्ट टाइम जब आया था उधर से कुछ आंटी अंकल हम लोग को खिलाया था एप्पल, तो उसी के लिए थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा, क्योंकि उधर भी थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, फिर बाद में आगे भी बहुत जाना पड़ेगा, और फिर सचपास देख के फिर किलार भी जाना पड़ेगा, तो काफ़ी लॉन्ग ट्रिप है आज। एक्चुअली हिल एरिया में ये काफ़ी लॉन्ग हो जाती है, मतलब एज पर रोड कंडीशन अभी तक भी अच्छा है, ख़राब नहीं है, मैं बताऊंगा नहीं ख़राब है, ऐसे कभी कभी ख़राब हो जाती है रोड कंडीशन, और फिर अच्छा भी रहता है। तो ये लोग फोटो खींच रहा है, चलो बॉस। सो इसका पास रुकना नहीं है, क्योंकि इसका एनी टाइम म्यूजिक चलता है, तो अगर मैं छोड़ दूंगा तो फिर कॉपीराइट हो जाएगा, तो इसके लिए मुझे डर लगता है, तो मैं इधर ही रुकूंगा, नहीं इधर नहीं, उधर एक आगे बहुत अच्छी प्लेस है, ये प्लेस काफ़ी अच्छी रहती है बाइकर्स के लिए, क्योंकि इधर जाके इधर हो ऐसे हो जाओ और फोटो खींच लो, ओह क्या नज़ारा है, ब्यूटीफुल अल्टीमेट नज़ारा। सो पीछे भी देखिए क्या व्यू है, बहुत मस्त व्यू है पीछे का। तो फिलहाल अभी इधर थोड़ा फोटो शूट करेंगे फिर आगे जाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को सभी को, इतना प्यार से मेरा वीडियो देख रहे हो, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, जिसको अच्छा लगे तो लाइक करना, जिसको अच्छा नहीं लगा तो उसे डिसलाइक कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, और कमेंट भी कर देना अच्छा बुरा जो भी होगा। तो बहुत बहुत छोटा छोटा घर दिख रहा है मुझे, बहुत ही अच्छा लग रहा है, सुंदर नज़ारा है, मतलब हमारे इंडिया में ऐसा प्लेस है ना यार ख़त्म ही नहीं होता, बहुत प्लेस है, मतलब नॉर्मल प्लेस भी है, ऑर्बिट प्लेस बहुत सारी होती है, जैसे अगर मुझे कोई परमिशन देगा तो मैं उस साइड पे जाके घर करके आराम से रह जाऊँगा, विदाउट वाईफाई में रह सकता हूँ। उधर से नीचे उतर आओ। सो काफ़ी ट्रैफिक लग चुका है इधर, रोड भी ज़्यादा चौड़ा नहीं है, बहुत ही सरू रोड है, और मुझे शायद लेफ्ट तरफ से जाना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा रिस्की हो जाएगा इधर यार, थोड़ा रिस्की हो जाएगा,
क्या करूँ, जाऊँ कि नहीं जाऊँ, जाना तो पड़ेगा ही। ओ माय गॉड, आगे चला जाओ क्या इधर। यस, काफ़ी रिस्क होती है ऐसे निकलने के लिए, काफ़ी रिस्क होती है क्योंकि लेफ्ट साइड पूरा खाद है। और देखिए मतलब एक बस और एक लॉरी साइड होने से कितना परेशान होती है यार, बहुत परेशानी के बाद है क्योंकि रास्ता का हालत भी ऐसा ही है। और मिट्टी देखिए कितना धूल मिट्टी लग रहा है यार, माय गॉड। इस आगे वाला जो लॉरी है ना, इसको उड़ने भी बहुत दिक्कत हो रहा है। अभी दोपहर बज चुका है, दोपहर नहीं शाम को 4 बज चुके हैं और हमारा जो 3 बाइक है अभी लाइन अप पे है क्योंकि इन लोगों को भी थोड़ा रेस्ट चाहिए और मुझे खाना खाना है क्योंकि लंच अभी तक नहीं हुआ है, अभी तक नहीं हुआ है लंच नहीं हुआ है तो बहुत और सच पास बाकी है 40 किलोमीटर के आसपास। और ये जो होटल है इधर रुके थे कुछ रोटी खाने के लिए, थी नहीं लेकिन मिल नहीं रहा, ख़त्म हो चुका है। तो मैंने सोचा ठीक है चलो रोटी नहीं किया, मोमोस और मैगी तो मिल जाएगा, तो मोमो भी नहीं मिला तो मैगी है, मैगी रेडी कर रहा है तो मैगी के लिए थोड़ा टाइम लगेगा 10-15 मिनट, तो इसलिए थोड़ा इधर रुके हम थोड़ा रेस्ट ले रहे हैं। और काफ़ी अच्छी व्यू है ये होटल का, पीछे से व्यू तो देख देख के आ रहे हैं लेकिन फिर भी जब मैगी खाएंगे उसके टाइम बैठ के अगर व्यू नहीं मिलेगा तो भाई अच्छा नहीं लगेगा। सो लंच हो चुका है, जो हमारा प्यारा वाला लंच था तो हो चुका है, अभी 5:15 बज गया है। अभी इधर से उस टाइम बोला था 25-30 किलोमीटर होगा लेकिन गूगल जी बोल रहे हैं अभी भी 41 किलोमीटर और 1 घंटा 25 मिनट लगेगा। तो देखिए जस्ट वेदर देखिए, फील कीजिए फील, मतलब पहाड़ में आने के लिए आपको फील का ज़रूरत है, जितना फील करेंगे उतना आपको अच्छा लगेगा, अगर फील नहीं करेंगे तो बेकार, पहाड़ में आके कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि हमारा दुनिया में बहुत सारी प्लेसेस होता है, बहुत सारी टाइप का व्यू होती है, एक समुंदर होता है, डिज़र्ट होता है, हिल होती है, तो ऐसा बहुत सारी प्लेसेस होते हैं। तो इन सब प्लेसेस से मुझे सबसे अच्छा जो लगता है वो है पहाड़, पता नहीं क्यों इतना अच्छा लगता है लेकिन मैं तो, मुझे अगर कोई बोलेगा कहाँ पे जाएंगे तो मैं ज़रूर बताऊंगा जी यार पहाड़ छोड़ के कहीं भी नहीं मैं जा जाऊँगा क्योंकि अल्टीमेट व्यू मिलता है इधर यार। और जो मेन बात जो होता है, हम लोग जैसे सिटी कोई गांव पे रहते हैं तो उधर ज़्यादा शोर बहुत ज़्यादा होती है और इधर क्या होता है, इधर ना आप एकदम निश्चिंत से आप अपना ज़िंदगी कटा सकते हैं, शोर नहीं है कुछ नहीं है, आप आराम से अपनी लाइफ झिंगा लाला, तो काफ़ी अच्छी लगते हैं इसलिए पहाड़। तो छोड़ो ऐसा तो बात बहुत होगा आगे, फिर आज जो काफ़ी जर्नी नहीं हुआ है लेकिन टाइम बहुत लग गया था, रास्ता बीच बीच में थोड़ा ख़राब था और हम लोग को निकलने निकलने थोड़ा टाइम भी लग चुका था। ठीक है मेरा गाड़ी में ही तो अप्रोक्स 1.5 घंटा लग गया मेरा गाड़ी को ठीक करने से, एक गैरेज पे गया था कुछ चेन वगैरह ये जेरिकन वगैरह जो टूट गया था उसको ठीक करने के लिए, फिर और एक गैरेज पे जाके ये मिरर जो था ये मिरर मैंने चेंज किया, ये मिरर टूट गया था ये मिरर भी चेंज किया, और चेन का बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, चेन में इतना आवाज़ आ रहा था तो बहुत दिक्कत हो रहा था चलाने के लिए। एक्चुअली बाद में भैया ने बोला था पंजाब में मैंने चेन टाइट किया था थोड़ा लूज़ हो गया था, तो जिधर किया था उधर बहुत ज़्यादा टाइट कर दिया, तो इसलिए गाड़ी चलाने के लिए बहुत दिक्कत हो रहा था और चेन
साउंड भी बहुत ज़्यादा आ रहा था, तो भैया ने चेन काट करके थोड़ा चेन लॉक उसको चेंज करना पड़ा, चेंज लॉक करके फिर सही से कर दिया। अभी तो ठीक ही चल रहा है अभी तक, पता नहीं आगे कैसा चलेगा, हो सकता है ऊपर वाला मेरा भला ही चाहे तो फिर कुछ नहीं होगा।